आज पूरा दिन जो है वो मंदिरों में लोगों का तांता लगा रहेगा। आना जाना जो है वो लोगों का सुबह से ही शुरू हो गया है। ऐसे में मंदिर में जरूरत ये भी है कि बार बार सैनिटाइजेशन हो, तो इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन का तैयारी पूरी तरीके से, एक तो मंदिर परिसर है, जैसा गेट है, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये गेट है, ये जो गेट है जिसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है, और साथ ही साथ ये टनल यहाँ पर लगा हुआ है, टनल से होकर ही कोई श्रद्धालु यहाँ से गुजरेगा। और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ तैयारियां हैं बल्कि पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई थी। सुबह से यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर दुर्गेश्वरनाथ मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ उठती है, सोमवार है और सावन का पहला सोमवार है, इसी को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कसी थी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां की गई है वो पूरी तैयारियां हैं, कमर कसी हुई है प्रशासन ने, और ये टनल बनाया गया है, इससे होकर श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं, उससे पहले भी लोगों का टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना काल है उसके दौरान जो हिदायतें प्रशासन की तरफ से दी गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और हर तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है। जी ऐसे में जितेंद्र, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं वो अपने घर से ही सामग्री लेकर आते हैं पूजा की, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु ये भी है जो मंदिर के पास ही, उनको पता है कि रेहड़ी और पटरी जो है मंदिर के पास ही आज की तरह की है, तो वो वहाँ से सामग्री लेते हैं। क्या आज मंदिर के बाहर क्या रेहड़ी और पटरी वाले मौजूद हैं जो सामग्री शिव आराधना से जुड़ी हुई बेच रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर मौजूद है क्या, या फिर उनको भी कुछ हिदायत दी गई है कि दूरी बना बनाकर तमाम जो पटरी वाले हैं वो रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि दुकानें लगती है जाहिर तौर पर, वहाँ भीड़ लग सकती है और ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता, बल्कि धज्जियां उड़ सकती है। तो ऐसे में ये तैयारियां प्रशासन ने पहले ही कर ली थी, तो दुकानें बिल्कुल भी नहीं लगी हैं। जो लोग बेलपत्तर और तमाम चीजें जलाभिषेक के लिए लाते हैं वो अपने घर से ही ला रहे हैं, दूध भी अपने घर से ला रहे हैं, चीनी ला रहे हैं जलाभिषेक के लिए, और सभी तरीके से जो लोग आ रहे हैं व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर जो टेम्परेचर नापा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, और टनल के द्वारा उनको एंट्री दी जा रही है। पांच लोग जलाभिषेक करेंगे, वो पांच लोग जब निकलेंगे उसके बाद पांच लोग एंटर करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है, व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से चल रही है। जस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो कहीं ना कहीं साफ है कि पहले से ही प्रशासन को ये पता था दुर्गेश्वरनाथ मंदिर में काफी भीड़ लगती है और इसको लेकर तैयारियां काफी है। नितिन सर, आप भी बताइए कि